नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को तर्क संग्रह पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, तर्क संग्रह कणादम गौतमम नत्वा अन्न भट्ट स्मृम बाल बुद्धया ही व्याकर्तुम यतिश्चे तर्क संग्रहम। अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह ग्रंथ जो है वह वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है, अर्थात न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों दर्शन का मिला ग्रंथ तर्क संग्रह है। उसका सामान्य परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। बच्चों, वैदिक काल से ही भारतीय मनीषियों में सत्य को खोजने की प्रवृत्ति रही है। आरण्यकों और उपनिषद ग्रंथों में इस संसार की नश्वरता को ध्यान में रखकर शाश्वत सत्य को पहचानने के लिए अनेक प्रकार की व्याख्याएं, उपदेश, आख्यान आदि दिए गए हैं। आत्मा वा अरे दृष्टव्ये श्रोतव्ये निदिध्या सितव्ये एवं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आदि के द्वारा आत्मरूप ब्रह्म को पहचानने का जो संकेत या जो निर्देश दिया गया है वो यहीं से दर्शन शास्त्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बच्चों, मानव जीवन के चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। इस जगत में जो तीन दुख है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, उनका आत्यंतिक विनाश ही मोक्ष है। इस मोक्ष प्राप्ति के उपाय या मार्ग बताने के लिए छह दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। ये छह दर्शन है बच्चों, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, मीमांसा और वैशेषिक। सभी दर्शनों का प्रयोजन आत्मज्ञान कराना है। आत्म तत्व का अन्वेषण वैदिक मार्ग से कराने वाले दर्शनों में वेदांत, सांख्य, योग और मीमांसा का प्रमुख स्थान है। आत्म तत्व ज्ञान के लिए ऊह, तर्क, हेतु, न्याय आदि नाम से प्रसिद्ध न्याय दर्शन मुख्य रूप से माना जाता है। इस हेतु विद्या के दो रूप है, न्याय और वैशेषिक। तो बच्चों, यह जो तर्क संग्रह है वह अन्नम भट्ट ने इन्हीं दोनों दर्शन न्याय और वैशेषिक को अपना आधार बनाया है। न्याय दर्शन में 16 तत्व माने जाते हैं, जिनमें प्रथम प्रमेय साध्य है और शेष प्रमाण आदि 15 तत्व प्रमेय के साधन है। प्रमेय या सिद्धि प्रमाणाधि, अर्थात न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। बच्चों, वैशेषिक दर्शन भी 7 पदार्थ मानता है और उन पदार्थों के साधन में और वेधर में ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है। साधन में और वेधर में का ज्ञान प्रमाणों के बिना नहीं हो सकता। वैशेषिक दर्शन को भी प्रमाण शास्त्र या हेतु विद्या ही माना जाता है। ये दोनों अर्थात न्याय और जो वैशेषिक दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है, इसमें न्याय दर्शन से भी प्राचीन दर्शन वैशेषिक दर्शन है। बादरायण ने अपने वेदांत सूत्र में वैशेषिक की चर्चा की है, न्याय की नहीं की है। जैन और बौद्ध दर्शन के लंका अवतार सूत्र आदि ग्रंथों में वैशेषिक अभिमत अनुवाद का उल्लेख मिलता है, जबकि न्याय सिद्धांतों का नहीं। वैशेषिक दर्शन मुख्यतः पदार्थ शास्त्र ऑन्टोलॉजी है,
पदार्थ पर आधारित है, जबकि न्याय दर्शन प्रमाण शास्त्र एपिस्टमोलॉजी है और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह पहले भौतिक पदार्थों और बाह्य जगत को देखता है, अंतर जगत को बाद में देखता है। अतः वैशेषिक दर्शन न्याय शास्त्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन प्रतीत होता है। फिर भी वैशेषिक दर्शन से न्याय दर्शन से घनिष्ठ संबंध है, अतः दोनों दर्शन का परिचय देना मैं जरूरी समझती हूँ। 6 आस्तिक दर्शनों से भिन्न बौद्ध, जैन और चार्वाक नाम से 3 नास्तिक दर्शन भी बच्चों मिलते हैं, क्योंकि दर्शन आपके 3rd ईयर में ही चालू हुआ है, तो दर्शन के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। और इन्हीं दर्शन में आपको तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट ने न्याय और वैशेषिक दोनों से लेकर एक बालकों की आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इस ग्रंथ का निर्माण किया है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि ये बच्चों मेघातिथि और अक्षपाद को भी न्याय का प्रणेता माना जाता है। वस्तुतः आज जो न्याय सूत्र ग्रंथ प्राप्त होता है उसके प्रणेता गौतम ही माने जाते हैं। इसलिए जहाँ न्याय सूत्र की चर्चा होती है वहाँ गौतम का न्याय सूत्र ऐसा ही कहा जाता है। इसलिए न्याय दर्शन जो है वो गौतम के द्वारा ही प्रणीत है। न्याय दर्शन के प्रमुख आचार्य है गौतम, इसके उद्भावक आचार्य हैं अक्षपाद भी इनको कहा जाता है। इनकी कृति है न्याय सूत्र। दूसरे हैं वात्सायन, इन्होंने न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा है बच्चों। तीसरे हैं भारद्वाज उद्योतकर, जो 6ठी शताब्दी के हैं, इन न्यायवार्तिक की रचना करी है इन्होंने। वाचस्पति मिश्र न्यायवार्तिक की तात्पर्य टीका तथा सूची निबंध की रचना की है। जयंत भट्ट न्याय दर्शन के प्रमुख सूत्रों पर वृत्ति लिखी है इन्होंने। भा सर्वज्ञ न्याय सार प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। उदयनाचार्य न्यायवार्तिक की तात्पर्य टीका पर परिशुद्धि टीका एवं आत्मतत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि तथा लक्षणावती ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। गणेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि का निर्माण किया है। इनके अतिरिक्त वासुदेव भट्टाचार्य, गदाधर भट्ट आचार्यों ने भी टीकाएं लिखी है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन के अंदर तत्वों की मीमांसा की है। जो प्रमेय प्रमाण आदि 16 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से सांसारिक दुखों का विनाश एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय शास्त्र में 12 प्रकार के प्रमेय बतलाए गए हैं, जिनमें 9 आत्मा और शेष आत्मभिन्न तत्व है। इन प्रमेयों के जो तत्व ज्ञान हेतु 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द साधन के रूप में माने गए हैं। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान नामक 14 तत्वों के द्वारा कहीं प्रतिपाद्य को पुष्ट करने के लिए और कहीं छोड़ने की हेता सिद्ध करने के लिए इनको जानना आवश्यक है। इस प्रकार न्याय दर्शन में 16 पदार्थों का उल्लेख कर प्रमाण आदि के द्वारा तर्कपूर्ण ढंग से अपने अभीष्ट की सिद्धि की गई है। इस शास्त्र का नाम न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन रखा गया है कि नियते गायते विवक्षितो अर्थो मैनेति न्याय। अब बच्चों न्याय दर्शन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, अब वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद को माना जाता है। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की समाप्ति पर वैशेषिक दर्शन के लिए कणाद शब्द का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उलूक को भी वैशेषिक का प्रणेता माना जाता है, किंतु परंपरा अनुसार यह प्रसिद्ध है कि स्वयं भगवान शिव ने उलूक का रूप धारण कर कणाद को इस दर्शन का उपदेश दिया था, इसलिए इसे उलूकीय दर्शन भी कहा जाता है। बच्चों, ये ध्यान में रखने योग्य बात है, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उलूकीय दर्शन क्या है, तो उलूकीय दर्शन ही वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इसमें जैसे कि डी आर भंडारकर भी उलूक और कणाद को अभिन्न मानते हैं। वायु पुराण में सोम शर्मा के चार पुत्रों का उल्लेख किया है, तीन पुत्र ही भंडारकर मानते हैं, अक्षपाद, कणाद और वत्स। उलूक अक्षपाद का दूसरा नाम स्वीकार करते हैं। वैशेषिक दर्शन में बच्चों पदार्थों की जो सात पदार्थ है उनकी चर्चा की गई है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों के बारे में चर्चा की गई है। हेतु विद्या अर्थात आन्विक्षिकी का जन्म मीमांसा दर्शन की क्रीड़ा स्थली से हुआ था, जहां वेदों में मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म करना ही धर्म माना गया है। वैशेषिक सूत्रों ने यतो अभ्युदय निशेष ससिद्धि धर्म अर्थात जिस कारण से मनुष्य को अभ्युदय अर्थात लौकिक अलौकिक पदार्थों का तत्व ज्ञान हो और मोक्ष की प्राप्ति होती है वही धर्म है। ब्रह्मांड के समस्त जड़ चेतन पिंडों में केवल आत्मा ही चेतन है और सभी पदार्थ अचेतन है। इस रहस्य को जानने के लिए समस्त पदार्थों की तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। वैशेषिक दर्शन में 6 भाव पदार्थ और 1 अभाव जो 7वां पदार्थ है वह मानता है। 6 भाव पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और ये 6 भाव पदार्थ है और 1 पदार्थ का नाम अभाव है जो कि वह 7वां पदार्थ है। इस प्रकार कुल 7 पदार्थ मानता है। इनका तत्व ज्ञान हो जाने से निश्रेयस अर्थात मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में क्या समानता है और क्या विषमता है? दोनों दर्शन तत्व ज्ञान के द्वारा परम कल्याण प्राप्ति को मुख्य प्रतिपाद्य मानता है तथा दोनों तर्क का मार्ग अपनाने के कारण एक दूसरे के से पर्याप्त साम्य भी रखते हैं, समानता रखते हैं और फिर दोनों में विषयगत भेद भी है। दोनों के साम्य विषम्य की चर्चा करने पर न्याय सूत्र के कतिपय सूत्र वैशेषिक सूत्रों से जो कृतियों मिलते हैं, जो इनमें विषयगत भेद है वह यही है कि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने गए हैं जबकि न्याय में 16 पदार्थ माने गए हैं। वैशेषिक में प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं जबकि न्याय दर्शन में अनुमान, उपमान और शब्द 4 प्रमाणों को माना जाता है। तो तर्क संग्रह में भी अन्नम भट्ट ने इन दोनों ही दर्शनों से लेकर 4 ही प्रमाणों को माना गया है, वैशेषिक के भी और न्याय के भी। वैशेषिक प्रमाणों के पाप माध्यम से अवयव की पुनः स्थिति को मानते हैं, इसी कारण इसे वैशेषिक कहा जाता है। अतः जबकि न्याय एक संपूर्ण अवयवों का ही पात्र मानते हैं, वैशेषिक मन को इंद्रिय मानता है
जबकि न्यायिक नहीं। वैशेषिक प्रमेय प्रधान दर्शन है, जबकि न्याय प्रमाण प्रधान दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य है कणाद, इसके प्रणेता है रावण भाष्य, प्रशस्त पाद चंद्राचार्य, शिवादित्य मेश, शंकर मेश आदि वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं। अब बच्चों, यह न्याय और वैशेषिक दर्शनों का मैंने आपको सामान्य परिचय दिया। अब अन्नम भट्ट का परिचय मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि जो तर्क संग्रह आपके कोर्स में चलता है वह अन्नम भट्ट ने इन दोनों ही दर्शनों से मिला जुला ग्रंथ बनाया है, क्योंकि जिससे हमें दोनों दर्शनों का सामान्य ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सके। बच्चों, अगले वीडियो में मैं अन्नम भट्ट का परिचय आपको दूंगी। धन्यवाद।